नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 22 प्रश्न पत्र 1998 की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन की गति 60 शब्द प्रति मिनट तथा समय 5 मिनट का रहेगा। अब हम इस डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली तौर पर देखकर कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी हो ही कैसे सकती है। एक तो शिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार उद्योग धंधों और नौकरी की गिरी हालत बेकारी की भारी जटिल समस्या बनाए हैं। एक तो यह है ही, दूसरी खेती की बर्बादी यानी 90% किसान जो गांवों में रहते हैं उनकी दशा देखकर हम कह सकते हैं कि यदि खेती और देशी व्यापार आदि में किए जाने योग्य सुधार शीघ्र न किए गए तो ऐसा न हो कि कुछ दिनों के बाद देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़े। इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने जो कुछ किया है वह जहां तहां हो सका है किसानों की भलाई के लिए किया है, और इनमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं कि जितने समय के लिए ये नियुक्त किए गए हैं यदि उतने समय तक रह गए तो देश के बड़े बड़े सवाल हल करने का भरसक प्रयत्न होगा। पैराग्राफ चेंज। आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या ना होने से खास मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार न बैठने पाए। क्या हम नहीं कह सकते कि बेकारी का संबंध देशी व्यापार आदि से है जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत अधिक है? क्या हम नहीं कह सकते कि विदेशी सरकार से इस विषय में कुछ नहीं हो सकता? यथार्थ में मैं यह कह देना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक पतन का कारण हमारी दासता
है। अतः सबसे बड़ी बात यह है कि देश स्वतंत्र हो। यदि तुमने जापान की उन्नति को देख लिया है, जर्मनी के उत्थान को समझ लिया है, क्या तुम कह सकते हो कि दासता की बेड़ियों से मुक्त भारत देश भी बेकारी, अशिक्षा आदि छोटे छोटे सवालों को हल न कर सकेगा? स्वतंत्र होने पर हमारे राष्ट्रीय प्रश्न आप से आप हल हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।